नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल। रिंकू यादव स्टोरी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं एक नई और सच्ची घटना के साथ एक बार फिर आप सबके बीच हाजिर हूँ। आज की जो ये सच्ची घटना है, ये सुनने के बाद कहीं ना कहीं आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन आपको कानून व्यवस्था के ऊपर एक विश्वास भी पैदा होगा कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो या कितना भी पुराना केस क्यों ना हो, न्याय जरूर मिलेगा। और आप अगर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अगर किसी काम को करते हैं तो वह जरूर पूरा होता है। तो आज की ये जो सच्ची कहानी है, मैं शुरू करूं, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। यह कहानी है उत्तर प्रदेश का, एक जिला है शाहजहांपुर। शाहजहांपुर में सदर बाजार थाना क्षेत्र लगता है। उसी थाना क्षेत्र में एक लड़का रहता था अपने माँ बाप के साथ। असल में वह उसके सगे माँ बाप नहीं थे, वो लोग उसको गोद लिए थे। वह जब 7-8 साल का होता है तो स्कूल जाना शुरू करता है, और जब स्कूल जाना शुरू करता है तो जो उसके क्लासमेट थे या गांव के लोग थे तो उसको ये बोलते थे कि ये इसके माँ बाप का पता नहीं है, ये पता नहीं किस खून का है। अब इस बात को सुनते सुनते लड़का चिड़चिड़ा हो गया। जब वो 10 साल का हो जाता है तो अपने माँ बाप से पूछता है कि क्या मैं आप लोगों का सगा बेटा नहीं हूँ? हमको गाँव वाले या हमारे स्कूल के सब बच्चे हमको ऐसे बोलते हैं। माँ बाप उसको फुसला देते हैं, बहला देते हैं और बात आई गई हो जाती है। लेकिन आए दिन उसको ये ताना सुनना पड़ता है। कहीं भी जाए, स्कूल में जाए, गांव में खेलने जाए, गांव के लोग हों, आए दिन इसको ये ताना सुनाते थे कि इसके माँ बाप का पता नहीं है, पता नहीं किसका खून है, ये यहाँ पर आया है, गोद लिए ये लोग। यह सुन सुन के लड़का थक जाता है। अब धीरे धीरे इस लड़का की उम्र भी बढ़ती है और इसके जहन में यह बात घूमने लगती है, लगता है कि हम इन लोगों का सगा बेटा नहीं है। बार बार इन लोगों से पूछता है, वो लोग भी बताने को राजी नहीं होते हैं, बात को टाल देते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद स्वयं जिसके पास वो रहता था, जिस माँ बाप के पास, वो लोग भी इस बात को बोलना शुरू कर देते हैं। कभी गुस्से में आके या कभी ऐसे कि पता नहीं किसका खून है, क्या है, इसके माँ बाप का कुछ पता नहीं है, वो लोग भी इसको ताना देना शुरू करते हैं। धीरे धीरे ये लड़का बढ़ता है। सन 2021 में इसकी उम्र 28 साल हो जाती है और 28 सालों से ये लड़का ये ताना सुनता आ रहा था गांव वालों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, और अब तो उन माँ बाप का भी जहाँ पर वो रहता था। 28 साल की उम्र में सन 2021 में वो लड़का एक दिन जिद पर अड़ जाता है और उन माँ बाप से पूछता है कि आज हमारे असली माँ बाप का पता बताओ या उनका नाम बताओ, मैं कौन हूँ, किसका लड़का हूँ, नहीं तो मैं आज सुसाइड कर लूँगा, जान दे दूंगा। अब जवान लड़का 27-28 साल का जिद पर अड़ जाता है। लास्ट में वो लोग हार जाते हैं और एक एड्रेस उसको लिख करके देते हैं। वो एड्रेस रहता है लखनऊ का, बोलते हैं कि इस एड्रेस पर चले जाओ, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। शाहजहांपुर से वो लड़का लखनऊ के लिए निकलता है और उस एड्रेस पर पहुँचता है लखनऊ में, और बेल बजाता है। अंदर से एक औरत आती है, दरवाज़ा खोलती है, और जैसे ही वो औरत दरवाज़ा खोलती है, इस लड़के को देख करके पहचान जाती है, बोलती है आओ बेटा घर में। लेकिन वो लड़का बोलता है कि हम यहाँ पर बैठने या आराम करने के लिए नहीं आए, हमारे दो प्रश्न हैं, उसका जवाब चाहिए, और इस जवाब को लेने के लिए हमको आपका ही पता मिला था, आपके एड्रेस पर भेजा गया है। वह लेडीज बोलती है ठीक है आइए बैठिए, क्या बात है, कौन सा प्रश्न है? वो बोलता है कि हमारे माँ बाप कौन है और आपसे हमारा क्या रिश्ता है कि हमको आपके पास भेजा गया है। वह लेडीज भी पहले नानुकुर करती है, बात को टालने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का वहाँ पर भी जिद पर अड़ जाता है। बोलता है आज अगर हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं मिलेगा तो मैं यहीं पर सुसाइड कर लूँगा। ये बात सुन करके वह लेडीज भी टूट जाती है, उसके आंखों में आंसू आ जाता है और बोलती है कि मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ। अब जैसे ही ये शब्द वह बोलती है, लड़का रोने लगता है। दोनों माँ बेटे गले मिलते हैं। 27 सालों के बाद दोनों का मिलन होता है। उसके बाद वह लड़का पूछता है कि अब बताओ हमारा बाप कहाँ है और कौन है। इस बात को जब वह लड़का बोलता है तो वह माँ बोलती है, वह लेडीज बोलती है कि ये समझो कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और मैं ही तुम्हारा बाप हूँ, ये समझकर बात को ख़त्म करो। लेकिन वह लड़का अपने जिद पर अड़ा रहता है, बोलता है कि नहीं, अभी हमारे एक प्रश्न का जवाब मिला है, एक प्रश्न अधूरा है, उसका भी जवाब चाहिए, हमारा बाप कौन है। तब वह लेडीज उस लड़के को एक कहानी सुनाती है, और उस कहानी को समझने के लिए आप सबको भी सन 1994 में जाना होगा, 28 साल पीछे। सन 1994 में वह लड़की अपने जीजा और दीदी के घर पर जाती है पढ़ाई करने के लिए। असल में इसके माँ बाप का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था, वो लोग इसको पढ़ा नहीं पाते हैं, तो इसकी उम्र उस समय 13 साल की थी।
13 साल की उम्र में वह लड़की शाहजहांपुर अपने दीदी और जीजा के पास जाती है, वहां पर उसका एडमिशन होता है, वो पढ़ती है अपने जीजा और दीदी के घर पे ही रह करके। 6 महीना सब कुछ ठीक चलता है। 6 महीना के बाद अचानक एक दिन स्कूल की छुट्टी रहती है, लड़की को घर पे ही रहना रहता है। उसका जीजा और दीदी दोनों सरकारी कर्मचारी थे, वो लोग सुबह सुबह निकल जाते हैं अपने काम पर, लड़की घर में अकेली रहती है। पड़ोस में ही रहने वाले दो सगे भाई जिनका नाम है मोहम्मद राजी उर्फ गुड्डू और नकी हसन, यह दोनों मौका पाते ही उसके घर में घुसते हैं और लड़की से दोनों बलात्कार करते हैं दोनों भाई मिल करके, और उसको धमकी देते हैं कि यदि तुम ये बात किसी पास पड़ोसी से अपने दीदी या जीजा से अगर बताओगी तो तुम्हारे दीदी जीजा के साथ साथ तुमको भी जान से मार देंगे। लड़की 13 साल की उम्र में डर जाती है, सहम जाती है, किसी से इस बात का चर्चा नहीं करती है। अब यह सिलसिला लगभग 6 महीना तक चलता है। जब जब उन लोग को मौका मिलता है घर में घुसते हैं लड़की के साथ बलात्कार करते हैं दोनों भाई मिल करके। ये सिलसिला 6 महीना चलता है। इसी दौरान लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। इसके बाद भी वो किसी से बोलती नहीं है। एक दिन अचानक से उसके पेट में दर्द होता है, उसका दीदी और जीजा उसको लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं, तब पता चलता है कि लड़की 3 महीना की प्रेग्नेंट है। अब जैसे ही ये बात पता चलता है उसके दीदी और जीजा को मानो पैरों तले जमीन खिसक गई, वो लोग चौंक जाते हैं। लड़की को लेकर घर आते हैं और उसे सब बात जब पूछते हैं तब लड़की रोने लगती है और सब कहानी बताती है कि पिछले 6 महीना से मेरे साथ गलत काम हो रहा है, बलात्कार हो रहा है उन दो भाइयों के थ्रू। जब जब आप लोग बाहर चले जाते हैं वो लोग घर में आते हैं, जबरदस्ती करते हैं, बलात्कार करते हैं दोनों भाई, और हमको डरवाते हैं आप लोग को मारने के लिए, पीटने के लिए। जैसे ही इतना सब बात उसका जीजा सुनता है, उन दोनों के घर पहुंच जाता है मोहम्मद राजीव उर्फ गुड्डू और नकी हसन के पास, उन लोग से जाके झगड़ने लगता है। असल में वो लोग थोड़ा दबंग किस्म के रहते हैं। वो दोनों भाई मिलके इसके दीदी और जीजा को मारते हैं बुरी तरीके से और बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी ये गांव छोड़कर तुम लोग यहां से चले जाओ, नहीं तो तुम दोनों का नौकरी भी जाएगी और तुम लोग भी जान से जाओगे। अब ये लोग डर जाते हैं, इसको लेकर के वो लोग कानपुर शिफ्ट हो जाते हैं और कानपुर में एक डॉक्टर को दिखाते हैं इसके अबॉर्शन के लिए, लेकिन डॉक्टर अबॉर्शन करने से मना कर देता है क्योंकि इसकी उम्र बहुत छोटी से, वो बोलता है इसकी नॉर्मल डिलीवरी ही करानी पड़ेगी। अब इस लड़की को वो लोग अपने घर में छुपा कर रखते हैं 9 महीना तक। 9 महीना के बाद इसकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, एक लड़का पैदा होता है और उस लड़के को किसी दूर के रिश्तेदार को दे दिया जाता है पालने पोसने के लिए। वही लड़का बड़ा होकर सन 2021 में जब 28 साल का हो जाता है तो अपनी माँ की तलाश में लखनऊ पहुँचता है, इतने सालों से ताना सुनते सुनते। और जब लखनऊ पहुँचता है, जब उसको हकीकत सब पता चलती है, तब वो लड़का रोने लगता है और सब बात अपने माँ को बताता है कि पिछले 28 सालों से मैं इस दर्द को झेलते आ रहा हूँ और जिस दर्द को तुम भी झेलती आ रही हो, अब इस दर्द का झेलने का वक्त उन दरिंदों का आ गया है जो आपके साथ और मेरे साथ गलत किए थे। इसी दौरान उस लेडीज़ का शादी भी होता है जिला गाजीपुर में, लेकिन उसके पति को किसी भी तरीके से पता चल जाता है कि इसके साथ बलात्कार हुआ था और इसका एक पहले से लड़का है, वह इसको छोड़ देता है और ये औरत जाके लखनऊ में रहने लगती है। यह दोनों माँ बेटे नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, लेकिन तो पिछले 28 साल की ये केस थी, पुलिस वाले भी आनाकानी करते हैं, रिपोर्ट दर्ज नहीं करते हैं। 1 महीना तक ये लोग पुलिस का चक्कर लगाते हैं पुलिस स्टेशन का, लेकिन तो पुलिस वाले हैं कि रिपोर्ट लिखने को राजी नहीं होते हैं। तब ये दोनों माँ बेटे एक वकील को पकड़ते हैं और वकील के थ्रू कोर्ट में जाते हैं, और कोर्ट से जब दबाव आता है पुलिस स्टेशन पर तब इन लोगों का रिपोर्ट दर्ज होता है और उसके बाद उन दोनों भाइयों की गिरफ्तारी होती है। एक भाई का उम्र इस समय 51 साल है और दूसरे भाई की उम्र 55 साल है। दोनों भाइयों का और इन माँ बेटों का DNA टेस्ट होता है तो ये बड़े वाले भाई से इसका DNA मैच कर जाता है। अब पुलिस दोनों को अरेस्ट करती है और जेल भेज देती है। तो इस कहानी से सीख ही मिलता है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कहीं भी छुपा क्यों ना हो, लेकिन एक न एक दिन उसको सलाखों के पीछे आना ही होता है, न्याय के कटघरे में खड़ा होना ही होता है। और सच्ची मन से अगर किसी भी चीज के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति हो आपके अंदर और आप लड़ेंगे तो आपको भी सफलता जरूर मिलेगी। और ये कहानी सुना करके मुझे आपको परेशान करने का कोई इरादा नहीं है, बस आपको सचेत करना कि मेरा काम है कि आप भी सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। यह कहानी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।